नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको एक शानदार स्कीम लेके आया हूँ LIC की तरफ से। इस स्कीम के माध्यम से आप आराम से मंथली में 9,000, 6,000, 5,000, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 30,000 जो भी आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे उसके हिसाब से आपको मंथली इनकम मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल बताया है, जो आप डिसाइड करोगे उसके बाद में आपको मंथली इनकम एक टाइम के बाद में मिलना शुरू हो जाएगी। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना है। एक्चुअल में ये प्लान बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग है और ये सरकार के द्वारा चलने वाला है और इसके साथ में आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। इस स्कीम का कैसे फायदा लेंगे, आम लोग इसमें कैसे निवेश करेंगे और इसमें निवेश करने के क्या क्या तरीके हैं और कैसे कैसे जो इसमें पेमेंट हम जमा कराएंगे। बहुत से प्लान होते हैं LIC के जिनमें एक साथ प्रीमियम देना होता है और कुछ प्लान होते हैं जिनमें आपको मंथली पैसा देना होता है और बहुत से जो ऐसे होते हैं जो रेगुलर यानी 6 महीने 7 महीने जो भी आप अपने हिसाब से डिसाइड करो उसके हिसाब से आप पैसा दे सकते हो। आज की इस स्कीम का पूरा डिटेल मैं आपको फुल वीडियो बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखना, वीडियो को लाइक कर देना स्पेशली और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि आने वाले वीडियोस भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाओ अभी। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है, मैं एक LIC एडवाइजर हूँ। आज की इस वीडियो में आपको प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना के बारे में पूरी डिटेल वीडियो बता रहा हूँ। इस वीडियो में आपको कंप्लीट पूरा जानकारी बताऊंगा कि आप इस स्कीम का कैसे फायदा ले पाएंगे और स्कीम में क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। पहले मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया के बारे में। जो भी लोग इस प्लान को लेना चाहते हैं उनके लिए मैं आपको बता दूँ क्राइटेरिया। सबसे पहले उनकी एज 60 साल से ऊपर होनी चाहिए। यदि उनकी एज 58-55 है तो वो इस प्लान को नहीं ले पाएंगे क्योंकि 60 साल कंप्लीट है तो वही इस प्लान को ले पाएंगे। 61, 62, 65 हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस प्लान को ले पाएंगे। मैक्सिमम इसमें जो एंट्री नहीं रखी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कोई इसमें लिमिट नहीं है, आपकी 80 साल है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप इस प्लान को ले पाएंगे। मिनिमम यानी परचेज जो भी आपका बीमा है, कम से कम आपका परचेजिंग बीमा 1,56,658 रुपये आपका कंप्लीट होना चाहिए। यह आपका पैसा फर्स्ट आपको मिलने वाला है। इसके साथ में GST वगैरह अलग इंक्लूड होती है, वो बाद की बातें हैं, लेकिन पहली चीज़ आपको बता देता हूँ, जो भी आपका परचेजिंग अमाउंट होगा वो 1,56,658 रुपये आपको देना होगा। यदि ज़्यादा ज़्यादा आप कहो तो 15 लाख रुपये आपको इसमें परचेजिंग अमाउंट हो सकता है, आप दोनों के हिसाब से। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोग होते हैं जो 15 लाख से ऊपर का करना चाहते हैं बीमा, तो उनके लिए मैं आपको बता दूँ 15 लाख आपके हिसाब से कर दो यानी आदमी के कर दो और 15 लाख उनकी वाइफ यानी स्पॉन्सर के हिसाब से उनको भी कर दो, दोनों का बीमा हो जाएगा और आपको उसमें 30 लाख का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप दोनों भी करा सकते हो जिससे आपको 30 लाख का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, दोनों को पेंशन शुरू हो जाएगी। अब भाई लोगों, मैं आपको बता देता हूँ जो पेंशन मोड रहेगा, तो जो भी आप अपने पेंशन मोड चूज़ करते हो ना, जैसे आपको मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली जो भी आप चूज़ करोगे, आप उसके हिसाब से अलग अलग इंटरेस्ट रेट जुड़ता है। मंथली आप चूज़ करते हो तो आपको 7.4 मिलेगा, क्वार्टरली मिलने पर आपको है जो आपको 7.45 और आपके हाफ ईयरली पर आपको 7.52% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, और इसके बजाय आपको ईयरली चूज़ करते हो तो 7.66% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। यदि आपने 10 लाख का कोई बीमा ले रखा है तो उसका ईयरली है जो आपको पेंशन मिलेगी वो होगी 76,600 रुपये, यानी ये जो आपको 7.66 के हिसाब से आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। इसी प्रकार हाफ ईयरली चूज़ करते हो तो 37,600 रुपये होगी और क्वार्टरली चूज़ करने पर 18,625 रुपये होगी। इसी प्रकार मंथली आप चूज़ करते हो तो आपके 6,167 रुपये आपके ये होगी। ये आपके इंटरेस्ट रेट सिर्फ आपको 10 लाख के हिसाब से बताया हूँ मैं आपको, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, मंथली में होती है, क्वार्टरली में होता है, हाफ ईयरली में, बट ये ही इंटरेस्ट रेट फिक्स की जाती है, ठीक है। अब मैं बात कर देता हूँ इसमें सरेंडर का। देखो एक्चुअल में ये सरेंडर है आपके जो भी वैल्यू होगा उसका, 10 लाख का जो भी आपका बीमा है तो 10 लाख का जो भी आपका सरेंडर करोगे उस वक्त, इन केस यदि आपके जो बीमारी वगैरह हैं, लाचारी वगैरह होगी और उसको सरेंडर कराना चाहते हो तो आपको 98% आपको परचेजिंग अमाउंट का रिटर्न वापस मिलने वाला है। जो भी आपके हैं वो आपको पैसा मिल जाएगा, आपकी वाइफ को हो या आपकी किसी भी मेंबर को हो जो भी इसमें सरेंडर कराना चाह रहा है तो उसको 98% जो भी आपका परचेजिंग अमाउंट होगा उसका 98% आपको रिटर्न वापस देखने को मिलेगा। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, इसमें लोन फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल है, लोन भी चाहते हो तो आप लोन मिल जाएगा। अब इसमें पेमेंट मोड, एक्चुअल में पेमेंट मोड आपका ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली कुछ भी नहीं है, आपको सिंगल पेमेंट एक साथ देना होगा, जो भी आप पेमेंट दोगे एक साथ आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा तभी ये प्लान आपका एक्टिवेट होगा। ये हैं, और ये प्लान लेने के लिए आपको बता देता हूँ, इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट LIC की जो ऑफिशियल वेबसाइट जाके भी आप ऑनलाइन ले सकते हो, या ऑफलाइन लेना चाहते हो तो किसी भी एजेंट के थ्रू भी आप इसको ले सकते हो, ठीक है। और मेरे जो आसपास के लोग हैं वो मेरे से भी परचेज कर सकते हैं, मेरे नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं स्पेशली, तो आप मेरे थ्रू भी आप कांटेक्ट करके मेरे से भी ये प्लान ले पाएंगे।